धनबाद में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लोग रहते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड मिलते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब फूड फेस्टिवल का आगाज़ यहाँ पर हुआ है, जिसमें मल्टी कुजीन, खास करके इटालियन और मैक्सिकन कुजीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। आइए जो यहाँ के हेड शेफ हैं उनसे बातचीत करते हैं, साथ ही साथ जो कस्टमर्स यहाँ पर इन कुजीन का लुफ्त उठाकर जा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या थीम है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है और इसके पीछे क्या कुछ वजह है। आइए जो यहाँ के हेड शेफ हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या स्पेशल है इस बार इस कुजीन में। सर, जानना चाहेंगे कि क्या स्पेशलिटीज़ है, कितने वैरायटीज़ आइटम यहाँ पर देखने को। वैरायटीज़ है बेसिकली, ये फूड फेस्टिवल है मेक्सिकन और इटालियन का, दोनों को कुजीन मिला के हम लोग ये फेस्टिवल कर रहे हैं। आज से ले करके 10 दिन तक, मतलब 4 दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। इसमें आपका इटालियन डिशेज एंड मेक्सिकन डिशेज दोनों का ही सूप, स्टार्टर, फिर सलाद, मेन कोर्स, वेज, नॉन वेज और डेजर्ट सब कुछ मिलेगा। ऑथेंटिक जो इटालियन डिशेज है, जैसे कि हैंडमेड रवियोली, फिर मेक्सिकन डिशेज, मेक्सिकन राइस एंड आपका डिफरेंट टाइप के सोप द चिचोरे, तो ऑथेंटिक डिशेज है जो इटालियन का और मेक्सिकन का, ये सब आपको मिलेगा। कितनी वैरायटीज है, लोगों को क्या डिमांड रहती है लोगों की, जैसे इस तरह से जब भी आप कुछ न्यू फूड फेस्टिवल करते हैं तो कितने कस्टमर्स आते हैं, क्या उनका ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है? इंटरेस्ट रहता है इस जो धनबाद क्षेत्र की जो ऑनरेबल गेस्ट है हम लोगों के पास आते हैं, तो उन लोगों को डिमांड होता है कि हमको ये क्विजिन का खाना यहाँ नहीं मिलता है, क्या हमको वो वाला क्विजिन का खाना दीजिए, जैसा वेस्टर्न का, कभी ओरिएंटल्स, कभी एशियंस का, डिफरेंट टाइप का मलेशियंस, फिर मेक्सिकन्स, इटालियंस, कबाब, हैदराबादी, डिफरेंट का हम लोग करते रहते हैं। तो इस बार का एज ए डिमांड के बदले, डिमांड वाइज हम लोग इटालियन मेक्सिकन करते हैं। करंट टाइप ऑफ सूप जैसा कि मिनेस्ट्रोने, फिर आपका जो ऑथेंटिक मेक्सिकन सूप द चिचोरे एंड हैंडमेड पास्ताज, फिर आपका नाचोस, डिफरेंट टाइप ऑफ नाचोस, फिर आपका स्टफ्ड मेक्सिकन राइस के साथ स्टफ्ड आपका पोटैटोज, और डिपेंड ऑफ वर्मिसेली फिश जो बहुत ही फेमस है मेक्सिको का, और डिफरेंट टाइप का जैसे आपका क्रेप्स एंड आपका डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडमेड पास्ताज। और सबसे अच्छा बात है जो यहाँ का डेजर्ट, ये जो तिरामिसू, ये ऑथेंटिक डेजर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और पन्ना कोटा जो वेरी फेमस डिशेस, ऑथेंटिक डेजर्ट, ये भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस मतलब फेस्टिवल के। ये जारी रहेगा आपको 4 दिसंबर तक रात को 10:30 बजे तक। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। आपसे जानना चाहेंगे कि इस इटालियन मेक्सिकन कुजीन को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है धनबाद में आप? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर्स है, वेरी वेल क्यूरेटेड मेन्यू। और अगर आप धनबाद में है एंड यू आर अ फैन ऑफ ऑथेंटिक कॉन्टिनेंटल फ्लेवर्स, देन आपको तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आप जनरली कहाँ पर रहते हैं, और इस तरह से ये जो हमेशा न्यू इनोवेटिव करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के कस्टमर्स के लिए, कितना ये बेनिफिशियल है? सो मैं कोलकाता से हूँ एंड आई एम हियर फॉर वर्क, बट what Sonotel and the spread does every time is wo log bahut hi innovative dishes banate hain and they make it a point to strengthen their culinary game. They have a very very good team and a very good menu for this festival, so I am looking forward to more things that they are going to be doing and definitely keeping an eye out. तो बिल्कुल आपने सुना कि फूड फेस्टिवल की आज से शुरुआत हो गई और ये 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इटालियन और मेक्सिकन कुजीन यहाँ पर आपके शहर धनबाद में ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमेशा वक्त पर समय अलग अलग समय पर इस तरह से जो है फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, डिफरेंट कुजीन्स को यहाँ पर लाया जाता है और इस बार इटालियन और मेक्सिकन कुजीन को यहाँ पर रखा गया है। स्वाद सम्मेलन इन लोगों ने नाम दिया है और काफ़ी संख्या में लोग जो आ रहे हैं वो इसे ट्राई भी कर रहे हैं। खास करके जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें इस तरह की वैराइटीज़ यहाँ धनबाद में जनरली नहीं मिल पाती है, लेकिन इस से फूड फेस्टिवल के माध्यम से वो भी इस तरह के कुजीन का जो है यहाँ पर आनंद ले पाते हैं। तो कुल मिलाकर धनबाद में भी इस बार वेडिंग सीजन के दस्तक देते ही इस तरह के मल्टी कुजीन, अगर हम बात करें जो बाहर से मेक्सिकन, इटालियन है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि इसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को और बाहर से आने वाले जो धनबाद के लोग हैं उन तक पहुँच पाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम भवी सिंह, द न्यूज़ फॉर धनबाद।